विशिष्ट बात जो यहाँ की है वो यह है कि जो कलाकार मंच में अभिनय करता है वही गायन करता है, और शास्त्रीय रागों पर आधारित है हमारी अल्मोड़ा की रामलीला विविध शास्त्रीय रागों पर। अगर भैरवी है तो परज भी इसमें आपको दिखाई देगी, तो इसका भी रसपादन आप कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात जो हमारे यहाँ का जो यहाँ के जो कलाकार बिल्कुल जो कभी जिन्होंने कोई शास्त्रीय संगीत का कुछ नहीं सीखा, जो मंच में गायन करते हैं जो शास्त्रीय रागों पर जो गीत जैसे है बिल्कुल से राग को पूर्णतया जीते हैं, उसका पूरी तरीके से उसको निभाते हैं, ये यहाँ की एक विशिष्ट शैली है, अंदाज है। और यहाँ अब रामलीला मंचन में आप देखते हैं तो जब बाद के वर्षों में जब यहाँ उदय शंकर आए तो उन्होंने नया प्रयोग यहाँ पर छाया चित्र का उन्होंने प्रयोग किया, तो आपको लगभग बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कैदा कदा कुछ प्रसंगों में उन्हें दिखाते हैं। 1860 से जहाँ प्रारंभ हुई यहाँ की लीला तो आज भी उन्हीं रागों पर है, अपनी मौलिकता लिए हुए है, अपनी परंपरागत शैली लिए हुए है। तो रामलीला मंच यहाँ अपनी विशिष्ट शैली में आज भी विद्यमान है, उतने ही मन से, उतने ही हृदय से, उतने ही गहनता से, उतने ही बिल्कुल डूब कर यहाँ का पात्र अभिनय करता है, गीत गाता है। और रामलीला मंच में जो भी कलाकार जाता है पूरे राम भक्ति के भाव से जाता है, ये हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है। रामलीला का जो मंचन था बद्रेश्वर में बताया जाता है, क्योंकि बद्रेश्वर जो था सबसे पुराना 1860 में रामलीला शुरू हुई थी, उसमें बताया जाता है कि वहाँ पर छोटे छुलके से रामलीला होती थी और बड़े बड़े लोग थे वो करते थे उसको मेकअप के लिए, और राम बनते थे उस समय जगन्नाथ सम्राल जी, और सीता बनती थी क्या नाम भुवन जोशी, और एक और सब पुराने लोग थे, चंदा थे, दशरथ बनते थे, सब पुराने लोग थे। उसके बाद ये रामलीला बद्रेश्वर में कुछ घिप लग गया हुआ, तो उसके बाद जी आई सी में फेस्टिवल के रूप में किया गया, उसमें फादर उसके हमारे संयोजक थे जीना साहब थे, मोहनलाल वर्मा जी थे, पुरानी फोटो भी शायद है वो। तो उसके बाद वहाँ के बाद रामलीला चुनारा में आई, दो समय तो आए छोटा हम भी छोटे थे चुनारा में जाते थे फादर के साथ, तो दो समय के बाद रामलीला चुनारा उसमें जगन्नाथ सम्राल जी राम का पाठ खेलते थे, उसके बद्रेश्वर चुनर के बाद रामलीला नंदा देवी आए, तब से नंदा देवी की रामलीला कंटिन्यू चल रही है और सबसे पुरानी रामलीला इसको बताया जाता है। उदयलाल साजी हो गए, ये सब दास साजी हो गए, नंदन जोशी हो गए, जगन्नाथ सन्वाल हो गए, ये समर्पित लोग थे, इन्होंने इस रामलीला को बताया, तो आज इसीलिए रामलीला चल रही है सांस्कृतिक के रूप में, कब तक इसको आगे राम का कार्य चल रहा है आगे भी चलते रहेगा।